ये वाक्य पांडवों के वनवास के समय का है और अपने वनवास के दौरान एक बार पांडव वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने वेद व्यास जी से प्रार्थना से भरे स्वर में कहा कि उन्हें अपना राज्य फिर से हासिल करने का कोई उपाय बताएं। वेद व्यास जी ने कहा कि फिर से अपना राज्य हासिल करने के लिए तुम्हें दिव्य अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी हैं। वेद व्यास जी ने ये भी कहा कि आप सब में केवल अर्जुन ही ऐसे व्यक्ति हैं जो देवताओं को खुश करके दिव्यास्त्र हासिल कर सकते हैं, इसलिए अर्जुन को देवताओं की तपस्या करके उन्हें खुश करना चाहिए। वेद व्यास जी की बातों को सुनकर अर्जुन तपस्या करने के लिए अकेले ही रवाना हो गए और अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। हम आपको बता दें, वहां के शांत वातावरण में वो भगवान शंकर की तपस्या करने में लग गए। तब उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने एक भील का वेश धारण कर लिया। वहां आने पर भील रूपी शिवजी ने देखा कि एक राक्षस शूकर का रूप धारण कर तपस्या कर रहे अर्जुन की घात में बैठा है। तब शिवजी ने उस राक्षस पर अपना बाण चला दिया। उस दौरान भगवान शंकर ने राक्षस को देखकर बाण छोड़ा था। उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और राक्षस पर उनकी नजर पड़ी। अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस बाण पर चला दिया, जिससे शुकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। तब भगवान शंकर ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से बहुत खुश हूँ, तुम्हें पशु पत्यास्त्र प्रदान करता हूँ। इतना कहते ही भगवान शंकर अर्जुन को पशु पत्यास्त्र प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वहाँ पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आए। तब अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। ये सब देखकर यमराज ने कहा, हे अर्जुन, तुम नर के अवतार हो तथा श्री कृष्ण नारायण के अवतार है, तुम दोनों ही मिलकर अब पृथ्वी का बोझ हल्का करो। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया की रिपोर्ट।